लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या मामा जी, मीटिंग हो गई? कांग्रेचुलेशंस प्रताप, जिस काम के लिए हम स्विट्जरलैंड आए थे वो काम हो गया। वेरी गुड मामा जी। इस 200 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं पिछले 6 महीने से पीछे पड़ा था। इसका एग्रीमेंट कब साइन करना? परसों मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स के साथ तुम्हारी मीटिंग है, तभी एग्रीमेंट साइन करना है। ये खबर सुन के मां बहुत खुश होगी। हेलो, मैं प्रताप बोल रहा हूँ। मैं राम सिंह बोल रहा हूँ सर। राम सिंह, माँ को फोन देना। माँ जी तो यहाँ नहीं है। क्यों, कहाँ गई है? सर कल डॉक्टर साहब आए थे, अस्पताल लेके गए। अस्पताल क्यों? कुछ बताया नहीं सर। मामा जी, मुझे आज हिंदुस्तान वापस जाना होगा। क्यों, क्या हुआ? माँ को अस्पताल ले गए, पता नहीं उनकी तबीयत। लेकिन प्रताप, 200 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए मिनिस्टर को मिलना बहुत जरूरी है। मामा जी, 200 करोड़ तो क्या, मां से बढ़कर कोई काम नहीं। मां? प्रताप, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें अचानक हॉस्पिटल में क्यों लाया गया माँ? तू कब आया? मैं अभी आया, लेकिन तुम्हें क्या हुआ माँ? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ पगले, मैं ठीक हूँ। तो फिर यहाँ क्यों? यहाँ बड़े बड़े डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस थी, मैंने सोचा मौका अच्छा है, रानी माँ को चेकअप करवा लिया जाए। तो कल रात इन्हें यहाँ ले आया था, चेकअप हो गया, अब घर जा रहे। क्या कहा डॉक्टरों ने? मिस्टर प्रताप, हमने आपकी माँ की पूरी जाँच कर ली है और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। उनके दिल की हालत बहुत नाजुक है। इसके अलावा उन्हें डायबिटीज, स्पॉन्डिलाइटिस और क्रॉनिक आर्थराइटिस भी है, जिसकी वजह से वो बगैर व्हीलचेयर के कभी नहीं चल सकेंगी। क्या उनकी बीमारियों के लिए कुछ नहीं कर सकते? Frankly, we can't do anything. It is not advisable for her to undergo heart surgery. हार्ट का ऑपरेशन तो नहीं कर सकते, मगर हमारी दवाएं उनकी तकलीफें कुछ कम कर सकती हैं। दरअसल वो सिर्फ अपने आत्मबल पर जी रही हैं। उन्हें देखकर ये कोई नहीं कह सकता कि वो इतनी बीमार हैं। She is a very brave lady. जी डॉक्टर साहब, हमें करना क्या होगा? कुछ नहीं, हमारी राय यह है कि आप उन्हें जितना भी खुश रख सके रखें, जो भी खाना चाहे खाएं, जो भी करना चाहे करें, क्योंकि उनके पास वक्त बहुत कम है। एक मामूली सा सदमा भी उनके दिल की धड़कन बंद कर सकता है। राधा, रुक रुक रुक, तुझे अच्छा। क्या हुआ माँ? माँ, मैं बहुत बीमार हूँ। क्या? बचने की कोई उम्मीद नहीं, और इसके लिए जिम्मेदार तू है। मैंने क्या किया माँ? मैंने क्या किया माँ, शादी क्यों नहीं करता? ओफ,
ओफो, फिर शादी? चलो मैं तुम्हें घुमा के लाता हूं। मां, ओ मां, क्या हुआ मां? तू तो कुछ बात ही नहीं कर रही है। मैंने तो कहा मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। जब तक तू शादी के लिए राजी नहीं हो जाता मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। अब क्या करूं मां, कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। यहां के बैठ। क्या कहा, क्या कहा? मां, कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। कोई लड़की पसंद नहीं आती या कोई चक्कर वक्कर है किसी लड़की के साथ? हाँ, अरे नहीं मां, मां दरअसल बात यह है कि जब पत्नी शादी करके घर पे आती है ना, तो अपने पति की मां का दुख का कारण बन जाती है। और मैं कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिसे तुम्हें कोई कष्ट हो। वाह, कितना समझदार बेटा है मेरा। अपनी माँ को जरा भी कष्ट नहीं देना चाहता, लेकिन सारे सुखों से दूर रख रहा है। वो कैसे? देख, हर माँ का एक अरमान होता है उसका बेटा शादी करे, एक सुंदर सी बहू ले आए, घर में रौनक हो, बहुत सारे बच्चे हों, उनके किलकारियों से सारा घर गूंज उठे। रानी दीदी ठीक ही कह रही हैं। अभी शादी नहीं करेगा तो फिर कब करेगा? सिली बॉय। ठीक है माँ, तो फिर जो भी लड़की अच्छी लगे, जो तुम्हें कष्ट न दे, तुम्हारी सेवा करे, ऐसी लड़की ले आओ, मैं शादी कर लूंगा। गुड। मोहन जी, कुछ सुंदर घरेलू लड़कियों की तस्वीरें मंगाओ। मुझे प्रताप की शादी बहुत जल्दी करानी है। मोहन ने भी चुन चुन के सब नमूने इकट्ठे किए हैं। मतलब इतनी सारी लड़कियों के साथ शादी करनी पड़ेगी मुझे? उफ, सब बेकार है और तू भी बेकार है। अब मैंने क्या किया माँ? ऊंट जैसा हो गया है, अभी तक अपने लिए एक लड़की नहीं ढूंढ सका तू। माँ, बहू का शौक तुम्हें ही है, अब तुम ही बहू ढूंढो, मैं तो चला। अरे कहाँ चला? माँ मैं जा रहा हूँ। अरे सुन, माँ, माँ मैं तुम्हें शाम को मिलता हूँ। सब बेकार है, सब बेकार है। ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है। वाह, टेलीविजन की एक नई गायिका पूजा। क्या लड़की है? सब कहते हैं लड़की जवान हो गई, सब कहते हैं लड़की जवान हो गई, सब कहते हैं लड़की जवान हो गई। हो ये तो सुन सुन के मैं परेशान हो गई, सब कहते हैं लड़की जवान हो गई। Thank you.
अबे टीवी देखना बंद कर, सामने देख। सॉरी। अरे मर गए। अबे ठोक दिया ना तूने? मेरी गाड़ी ठोक दी। अरे ये तो वो टीवी वाली लड़की है। हंड्रेड परसेंट वही लड़की है। देख कर नहीं चला सकते, आपने हमारी गाड़ी ठोक दी। मैंने आपसे कुछ पूछा और आप है कि आंखें फाड़ फाड़ के देखे जा रहे हैं। देखा जो हुस्न यार को तबीयत मचल गई, आंखों का था कसूर छुरी दिल पे चल गई। वाह वाह वकील साहब, आप तो शायर बन गए। शुक्रिया। ए मिस्टर, आपने मेरी फ्रेंड की गाड़ी का नुकसान किया है और अपनी गलती मानने की बजाय शेर झाड़ रहे हैं। जी मैडम, इतनी हसीन गलती को हम सलाम करते हैं। तो चलिए इसे बात पर अपना दिलो दिमाग आपके नाम करते हैं। ए शायरी से इनको इम्प्रेस करना बेकार है, आपको गाड़ी का नुकसान भरना ही पड़ेगा। देखिए आपका ये नुकसान तो मैं भरी दूंगा, लेकिन मेरा जो नुकसान हुआ है उसे कौन भरेगा? आपकी गाड़ी को क्या हुआ? अच्छी खासी तो है, मार तो इस गाड़ी को लगी है। अरे यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैडम, जो चोट ऊपर से दिखाई नहीं देती वो बहुत गहरी होती है। हाँ खैर, आप बताइए कितना नुकसान हुआ है, मैं चेक कर देता हूँ। आपका चेक वापस तो नहीं आ जाएगा? देखिए यहाँ तो ये आलम है कि एक बार दिल दे देते हैं तो वो भी वापस नहीं आता, फिर चेक वापस कैसे आ सकता है। खैर आप बोलिए, आपका नाम क्या है बहन जी? बहन जी कौन? बहन जी कौन? बहन जी मतलब आप बहन जी और कौन बहन जी? क्योंकि इनको तो मैं बहन जी बोल नहीं सकता ना, क्योंकि इनके साथ तो मेरा जन्म जन्मांतर का दूसरा वाला रिश्ता है। क्यों है ना? एक मिनट, आप मुझे इससे पहले कब मिले थे? क्यों यही कुछ 10 मिनट पहले। दरअसल मैंने आपको टीवी पर देखा था और बस देखता ही रह गया, और देखते देखते पता नहीं कितनी सदियां बीत गई। और ये तो लव एट फर्स्ट साइड वाला मामला मालूम होता है। लव? मैं तो आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अरे मेरे और आपके विचार कितने मिलते जुलते हैं, मैं तो खुद अपनी शक्ल देखना नहीं चाहता। आहा, देखने लायक शक्ल तो आपकी है भाई। वाह, अब तो सुबह शाम आप ही की शक्ल देखा करेंगे। हाँ। अरे पूजा ये तो कोई दीवाना लगता है, चल भाग चले। हाँ, चल चल। दीवाना मैं? अजी सुनिए तो मेरी बात। पूजा? अरे वाह वाह वाह, क्या नाम है, जैसा रूप वैसा नाम। तुम हमारी पूजा और हम तुम्हारे पुजारी। हाँ ला 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 ला। अरे दद्दू तुम ये क्यों बेटे सीटी बजा रहे हो? मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? कोई लड़की पसंद पसंद आएगी क्या? अरे यू आर एब्सोल्युटली राइट दद्दू, लेकिन आपको कैसे पता चला? अरे मैं भी जब कॉलेज में था खूबसूरत लड़कियां देख के सीटी बजाता था। आप भी? क्यों मेरे पास दिल नहीं है क्या? हाँ अभी बता वो लड़की खूबसूरत है या नहीं? अरे खूबसूरत बला की खूबसूरत है दद्दू। अरे तुम मुझे जरूर दिखा, मुझे खूबसूरत लड़कियां देखने का बहुत शौक है। अरे क्या दद्दू, कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज करो, अब तुम बुढ़े हो गए, समझने की कोशिश करो। बुढ़ा होगा तू, तेरे बाप का बाप। ये देख मसल, देख सागवान की लकड़ी है। वो तो है। अब ये बता वो भी तेरे जैसे सीटी बजा रही या नहीं? वो पता नहीं दद्दू वो। अरे पता नहीं तो पता लगवाइए, और सीटी नहीं बजा रही है तो उसे सीटी बजवाइए। और जब तुम दोनों की सीटियां बजने लगे तो उसे मेरे पास लाइए आप, और फिर मैं शहनाइयां वही बजाऊंगा। अरे दद्दू यू आर ग्रेट, यू आर फैंटास्टिक। अरे टाइम की वेस्ट कर राजा, यू गया और यू आया। ओके शुभ काम में देर नहीं। Bye.
ahead. Good shot, Pooja. Hello. तुम? जी. तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी? इजाजत? देखिए मैडम, जब दिल ने इजाजत दे दी है तो किसी और से इजाजत लेने की क्या जरूरत है, नहीं? देखो, तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो. On the contrary, मैं तो ये समझता हूँ मैडम कि मैंने अपने वक्त का इससे ज्यादा अच्छा इस्तेमाल आज से पहले कभी किया ही नहीं है. हाँ, आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे आपके सिर्फ 3 मिनट चाहिए, बस. क्या मतलब? मतलब ये कि इन 3 मिनटों में मैं आपसे चंद सवाल पूछूंगा और उन सवालों के जवाब लेते ही सीधा बैक टू द पवेलियन, इंडियन क्रिकेट टीम की तरह. पूछो. क्या मैं अंधा हूँ? जी जी, मैंने पूछा क्या मैं अंधा हूँ, ब्लाइंड? नहीं. क्या मैं बदसूरत हूँ? नहीं. थैंक यू, थैंक यू. क्या मुझे कोड है? क्या मैं रोगी हूँ? नहीं, लगता तो नहीं है. क्या आप किसी और को चाहती हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है. जब ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझ में कोई खास खराबी भी नहीं है, तो मेरी अर्जी पर ठंडे दिमाग से विचार करने में आपको क्या आपत्ति है? ये रहा मेरा दिल, मेरा मतलब है मेरा बिल, मेरा मतलब है अर्जी. ये तो कोरा कागज है. यही तो कहने आया था कि जब तक इस कोरे कागज पर तुम अपने हाथ की मोहर नहीं लगा देती, तब तक ये दीवाना तुम्हारे घर के सामने कल सुबह 6 बजे से तुम्हारे यहाँ का इंतजार करेगा. और अगर कहीं तुम 6 बजे ना आ पाई तो 7 बजे, और 7 नहीं तो 8, 9, 10, 11, 12, कल परसों तरसों, हर पल हर समय तुम मुझे अपने सामने पाओ. और मैं उस वक्त तक तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम हाँ नहीं कह देती, चाहे इंतजार करते करते मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए. तो मैं चलूं कल सुबह ठीक 6 बजे. Thank you.
बात होंठों पे रुकती नहीं, फर्क पड़ता है क्या हाँ से ना से, ये नजर यूं ही झुकती नहीं, साफ जाहिर है दोनों तरफ से, ये मोहब्बत तो छुपती नहीं, साफ जाहिर है दोनों तरफ से, ये मोहब्बत तो छुपती नहीं। जैसा रूप वैसा ही नाम। दीदी अगर आप ये पेपर देख लेती तो
छोड़ो पेपर, पहले तुम ये देखो, है ना खूबसूरत? बहुत खूबसूरत है। तुम सब काम छोड़कर पहले इसका पता लगाओ। जी चलो। प्रेम, मुझे कभी कभी डर लगता है। डर? किस बात का डर पूजा? तुम इतने अमीर हो और मैं गरीब। तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो और मैं कहीं तुम्हारे दादाजी। बाप रे बाप, सच तो ये है पूजा कि दद्दू से मुझे भी बहुत डर लगता है। कहीं किसी वजह से अगर एक बार ना बोल दिया, उनसे हाँ कहलवाना इम्पॉसिबल, कोई कर ही नहीं सकता। तुम्हें लगता है वो ना करेंगे? देखो पता नहीं, ना कर भी सकते। तो फिर तुम क्या करोगे? अरे इसमें करना क्या है? अब देखो, मैंने अपनी मर्जी से तुमसे प्यार किया है और सारी जिंदगी तुम ही से प्यार करूंगा। लेकिन पूजा, शादी जो है वो तो तद्दू की मर्जी से ही करनी पड़ेगी। क्या? हाँ। प्यार मुझसे और शादी किसी और से? क्या करें, देखो मजबूरी है। वो क्या है कि दद्दू को मैं ना नहीं बोल सकता ना। दद्दू को ना नहीं बोल सकता, डरपोक कहीं के। डरपोक? कौन डरपोक? मैं? अरे तुम मेरे दादाजी को नहीं जानती, बहुत ही सख्त आदमी है। हाँ तो तुम भी सख्त बन जाओ, सीधे जाकर बोल दो, दादाजी मैं पूजा से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा। बस इतनी सी तो बात है। बस इतनी सी तो बात है? अरे ये इतनी सी बात नहीं है भाई। अच्छा अगर तुम मेरी जगह होती तो जाकर दादाजी से बोल देती। क्यों, फौरन बोल देती? सोच लो, बोल देती? ऑफ कोर्स बोल देती। तो फिर बोल देना। मतलब? मतलब ये कि दादाजी ने खुद तुम्हें घर बुलाया है। अरे बाप रे। दादाजी देखिए कौन है। आ बेटे आओ। पूजा। प्रणाम। अरे बस बस बस, हाँ ये हुई ना बात। तुम मृगनैनी हो बेटी, तुम तो सौंदर्य का अवतार हो, तुम्हें देखकर तो मेरी सीटी बजने लगी है। अरे दादाजी ये। अरे अभी से अधिकार जमाना लगा है। चुप बेटी, ये बताओ कि 50 साल पहले मुझसे तुम क्यों नहीं मिली? जी? मेरे कहने का मतलब 50 साल पहले तुम कहाँ थी? तब मैं पैदा ही नहीं हुई थी। अच्छा किया, वरना उस वक्त मैं तुम्हें किडनैप कर लेता और ये रह जाता। यू आर लकी बॉय। थैंक यू वेरी मच दादाजी। अरे थैंक यू स्टार। अब तू शास्त्री जी को बुला और उनसे बोल जल्दी से मुहूर्त निकाले, मुझे शादी करनी है। दादाजी शादी करनी नहीं, करवानी है। क्यों, मैं शादी नहीं कर सकता? ओ, दादाजी आप ये बात भूल क्यों जाते हैं कि अब आप बुढ़े हो गए हैं। यू शट अप, बुढ़ा होगा तेरे बाप का बाप। नमस्कार कपूर साहब। लो स्पीक ऑफ द डेविल। एंड द डेविल इज हियर। इधर से गुजर रहा था, सोचा आप लोगों से मिलता चलूं। अच्छा क्या? कहिए क्यों याद कर रहे थे? शास्त्री जी, ये लड़का इस लड़की से शादी करना चाहता है, जरा देखिए जोड़ी कैसी। अरे बहुत अच्छी है। हाँ तो फिर जल्दी से इनकी शादी का मुहूर्त निकालिए। बेटी तुम्हारे पास जन्म कुंडली है? पता नहीं है कि नहीं। कोई बात नहीं, मैं हाथ देख कर जन्म पत्री बना दूंगा। ठीक है, आप बनाए जन्म पत्री और तू चल मेरे। अरे कहाँ दादाजी? अरे कोई जरूरी काम नहीं, लेकिन तू चल। आओ बेटी। दीदी, दीदी पूजा तो अपने दीनदयाल की बेटी है। कौन दीनदयाल? वही अपना कैशियर जिसका एक्सीडेंट में हाथ कट गया था, बाद में आपने उसको दुकान खुलवा के दी थी। अरे हाँ, दीनदयाल तो बहुत अच्छे आदमी है। हाँ दीदी। मोहन तुम जाओ, उनसे कहो मैं मिलना चाहती हूँ। ठीक है। किससे मिलना चाहती हो माँ? इसके पिताजी से। देख कितनी खूबसूरत लड़की है। तुम ही देखो माँ, तुम्हारी पसंद ही मेरी पसंद है। हाँ, शादी से पहले सब यही कहते हैं। शास्त्री जी क्या बात है, अब सर क्यों बुला रहे हैं? ये शादी हो नहीं सकती। पर क्यों नहीं हो सकती? बस इतना ही समझ लीजिए कि ये कन्या अशुभ है। अशुभ? पर कैसे अशुभ? उसके हाथ से खून होगा। ये क्या कर रहे हैं आप? उसके पति की हत्या कर दी जाएगी, वो विवाह के पहले वर्ष में ही विधवा हो जाएगी। क्या आप कहना चाहते हैं
कि ये लड़की अपने पति की हत्या करेगी? बिल्कुल करेगी। आपने ठीक से देखा है ना? एक बार नहीं, कई बार देखा है। नक्षत्र की भाषा कभी झूठ नहीं होती। आप इस शादी में हाँ मत कीजिए। नमस्कार। मैं कुंडली वुंडली कुछ नहीं मानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं दादाजी कि अगर शास्त्री जी की बात सुनकर मैंने पूजा से शादी नहीं की तो मैं जिंदगी भर पछताऊंगा, क्योंकि दादाजी मैं पूजा के बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। बेटा तू क्या समझता है कि तुझे दुखी देखकर मेरा दिल नहीं रोएगा? बेटा अगर पूजा से शादी करने के बाद शास्त्री जी की बात सच निकली तो हमारा खानदान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दादाजी खानदान तो तब खत्म होगा अगर पूजा से मेरी शादी नहीं हुई। बेटा तू तो जानता है इस दुनिया में तुझसे ज्यादा प्यारा मेरे लिए कोई नहीं है। अगर मेरी आंखों के सामने तू, मैं तो सोच भी नहीं सकता। नहीं प्रेम, ये शादी मैं नहीं होने दूंगा, मैं नहीं होने दूंगा। तो फिर मेरी भी एक बात सुन लीजिए दादाजी, अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ पूजा से होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं 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 प्रेम, नहीं प्रेम। आओ बेटी। बेटी वो दूर पहाड़ियों से लेकर ये सारी जमीन और जहां पर तुम खड़े हो ये मेरा इलाका है। लेकिन 50 साल पहले जब मैं यहाँ था मेरे पास कुछ नहीं था, रहने के लिए मकान तक नहीं था। फिर शास्त्री जी से मेरी मुलाकात हुई, बड़ी दोस्ती हो गई। उन्होंने मुझे जो कुछ कहा, जो कुछ कहते गए मैं करता गया, और धन दौलत सफलता जो कुछ मिली उन्हीं की वजह से मिली। आज मैं जो कुछ हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। उन्होंने जो कुछ कहा सब सच निकला। उन्होंने तुम्हारा भी तो हाथ देखा, तुमसे कुछ कहा? जी नहीं, उन्होंने कहा है कि मेरे बारे में सब कुछ वो आपको बताएंगे। हाँ, उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया, जिसकी वजह से मैं तुम्हें यहाँ लाने पर मजबूर हो गया। क्या कहा है उन्होंने? बेटी उन्होंने जो कुछ कहा है शायद तुम सुन नहीं सकोगी। कुछ खराब है क्या? कुछ कुछ नहीं बेटी, बहुत खराब है। जो भी है कह डालिए, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। बेटी उन्होंने कहा है तुम अशुभ हो, तुम्हारे हाथ से खून होगा, तुम्हारे पति की हत्या होगी और तुम 1 साल के अंदर विधवा हो जाओगी। आपके शास्त्री जी ये कहना चाहते हैं कि मैं हत्यारिन हूँ, अपने पति का खून करूंगी और 1 साल के अंदर विधवा हो जाऊंगी? यही मतलब है ना उनकी भविष्यवाणी का? हाँ बेटी। दादाजी आग और पानी में दोस्ती हो सकती है, सूरज पश्चिम से निकल सकता है, हिमालय पर्वत सूखे पत्तों की तरह उड़ सकता है, लेकिन पूजा अपने पति की हत्या कभी नहीं करेगी। वो जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे वो अपनी नजरों से गिर जाए। बेटी मैं चाहता हूं कि तुम जो कह रही हो सच हो, लेकिन डर लगता है। 20 साल पहले की बात है जब शास्त्री जी के मना करने के बावजूद मैंने मेरे बेटे और बहू को बिजनेस के सिलसिले में बिलास भेजा, वो प्लेन क्रैश हो गया और दोनों की मौत हो गई। उसके लिए मैं आज तक अपने आप को दोषी ठहराता हूं और मैंने तय कर लिया कि शास्त्री जी की मर्जी के खिलाफ कभी कोई काम नहीं करूंगा। उन्होंने कहा प्रेम को वकील बनाओ, बहुत नाम कमाएगा। इतनी दौलत रहने के बावजूद मैंने उसे वकील बनाया। पूजा, प्रेम मेरे बेटे की इकलौती संतान है। आज तक उसने मुझे जो कुछ चाहा मैंने दिया, लेकिन आज वो सब कुछ जानते हुए तुमसे शादी करना चाहता है और मैं ये खतरा मोल लेना नहीं चाहता। अब तुम ही उसकी रक्षा कर सकती हो।
लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? तुम शादी से इनकार कर सकती हो? दादाजी, मैं प्रेम के बिना? पूजा, अगर सचमुच तुम प्रेम से प्यार करती हो तो उसकी जिंदगी के लिए तुम्हें इसे छोड़ना पड़ेगा। शास्त्री जी की भविष्यवाणी गलत भी तो हो सकती है। अगर ये बात सच हो गई तो तुम भी उसे खोदोगी और मैं भी उसे खोदूंगा। उसे बचा लो बेटी, मैं हाथ जोड़कर तुमसे प्रेम की जिंदगी की भीख मांगता हूँ। ये भीख मुझे दे दो। ठीक है। वो जहां भी रहे सुखी रहे, उनकी बहुत लंबी उम्र हो, मैं उनकी जिंदगी से चली जाऊंगी। बेटी, मैं जानता हूं मैं तुम्हें बहुत दुख दे रहा हूं, लेकिन ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुम बोलो मुझसे क्या चाहती हो, जो तुम चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा, बोलो। जो मेरे सामने हाथ जोड़कर मेरा सुख, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ मांग चुका हो, वो मुझे क्या देगा? क्या देगा वो मुझे? बेटी, किस बात की सजा दे रहे हो भगवान? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? पूजा, पूजा, रो क्यों रही हो तुम? कम ऑन पूजा, चलो नीचे उतरो, चलो नीचे उतरो, कम ऑन। क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना नीचे उतरो। ये क्या तमाशा बना रहे हो? तमाशा तो तब बनेगा अगर तुम चुपचाप मेरे साथ नहीं चलोगी। चलो चलो मुझे। चलो उतरो, कम ऑन। सुना नहीं तुमने? बाहर आओ। ये कौन सा तरीका है मुझे लाने का? मैं और क्या करता पूजा, मैंने तुम्हें फोन किया, तुम फोन पर नहीं आई, तुमसे मिलने तुम्हारे ऑफिस गया, तुमने मिलने से इनकार कर दिया, तुमसे बात करने का कोई और तरीका नहीं था मेरे पास। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुमसे क्या बात करना चाहता हूँ। तुमने मुझसे मिलना बंद क्यों कर दिया? हाँ, ये समझ लो कि दिल भर गया, प्यार मर गया। बकवास मत करो पूजा, हमारा प्यार इतनी आसानी से मर नहीं सकता। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहती कि दादाजी ने शास्त्री जी की भविष्यवाणी तुम्हें सुनाकर मुझसे ना मिलने को मजबूर किया है? अगर उन्होंने ऐसा किया है तो क्या बुरा किया है? वो नहीं चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनूं। What nonsense पूजा, क्या कोई मान सकता है कि तुम अपने पति का खून करोगी? कोई माने या न माने, तुम्हारे दादाजी मानते हैं, उनके शास्त्री जी मानते हैं। अरे लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं मानता पूजा, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बस। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। क्या? ये मेरा फैसला है। ठीक है पूजा, तो फिर मेरी भी एक बात सुन लो। मैंने अपनी जिंदगी में पहला और आखिरी प्यार किया है, तो तुमसे
और शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। ये मेरा फैसला है। अरे जी, ये क्या कर रहे हैं आप? आपके पैर नहीं छूंगा तो किसके छूंगा? हाथ कटने के बाद आपने मदद ना की होती तो मैं और मेरी बेटी शायद भीख मांग रहे होते। अब बैठिए। जी कहिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? आज्ञा नहीं, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ रानी माँ। मैं अपने बेटे प्रताप के लिए आपकी बेटी पूजा का हाथ मांगती हूँ। क्या कह रही हैं रानी माँ, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। ऐसा क्यों सोचते हैं दीनदयाल जी? दौलत से कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। कहिए, आप अपनी बेटी हमें देंगे? हमारे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इस गरीब की बेटी आपके घर की बहू बने। हमें ये शादी बहुत जल्दी करवानी है। आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार पूजा से पूछ लीजिए, उसे तो कोई आपत्ति नहीं है ना? उसे क्या आपत्ति हो सकती है रानी माँ, उसको तो धरती पर स्वर्ग मिल रहा है। मुझे कोई स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। बेटी तू क्या चाहती है ये मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि रानी माँ की खुशी के लिए हमें कुछ भी करना है। इतना देने वाली रानी माँ ने आज पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। उन्हें ना मत कहना बेटी, उन्हें ना मत कहना। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। पूजा हूँ। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसी हो। आओ बैठो। राधा जी, रानी माँ, जा मिठाई ले गया। जी। पूजा, तुम्हारे आने से इस घर में बसंत आ जाएगा, ये घर स्वर्ग बन जाएगा। इसका उल्टा भी हो सकता है। ऐसा क्यों कहती हो तुम? मैं नहीं कहती, ज्योतिषी कहते हैं। क्या कहते हैं ज्योतिषी? वो कहते हैं कि मैं अशुभ हूँ, कलंकिनी हूँ, जिस घर में जाऊंगी उसका सर्वनाश हो जाएगा। मैं खून करूंगी, शादी के एक साल के अंदर मेरे पति की हत्या होगी और मैं विधवा हो जाऊंगी। ये सब उटपटांग बातें तुम्हें किस ज्योतिषी ने बताई? एक बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, कहते हैं उन्होंने आज तक जो कुछ कहा है सच निकला है। उनका नाम क्या है? आचार्य दिव्य दृष्टि शास्त्री। आपने इस कन्या के बारे में कुछ भविष्यवाणी की थी? जी। मतलब आपने जो कुछ कहा वो सच है? बिल्कुल सच है। पूजा की शक्ल देखकर आपको लगता है कि ये कोई अनुचित काम कर सकती है? रानी माँ, ज्योतिष शक्ल नहीं, कुंडली देखता है। और ये भी बता सकता है कि कौन विधवा हो जाएगी और कौन नहीं? जी हाँ। आपने ज्योतिषाचार्य श्री सोमनाथ जी का नाम सुना है? वो मेरे गुरु थे। बहुत बड़े ज्योतिषी थे वो। उन्होंने एक राजकुमारी के विवाह के लिए सैकड़ों कुंडलियां देखकर एक सर्वश्रेष्ठ वर ढूंढा था, शुभ मुहूर्त निकालकर पूरे विधि विधान के साथ उसका विवाह किया था। लेकिन विवाह के तीसरे साल में ही एक कार एक्सीडेंट में उसके पति की मृत्यु हो गई और राजकुमारी विधवा हो गई। वो राजकुमारी मैं हूं। और उस दिन से ज्योतिष शास्त्र से मेरा विश्वास उठ गया। एक बार भूल हो जाने का अर्थ ये तो नहीं
कि ज्योतिष शास्त्र गलत है? आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो भूल एक बार हो गई वो इस बार भी नहीं होगी? जो गलती गुरु ने की वो शिष्य नहीं करेगा? क्या भाग्य को मानती ही नहीं? मानती हूं, लेकिन भाग्य को जब ज्योतिष बदल ही नहीं सकता तो फिर ज्योतिष विद्या की जरूरत ही क्या है? पूजा, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। भगवान ने जो चार दिन की जिंदगी दी है उसे खुश होकर जियो। पांचवें दिन मौत आएगी ये सोचकर वो चार दिन बर्बाद मत करो। मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। बोलो पूजा, तुम ना तो नहीं करोगी ना? रानी माँ, मैं आपको ना नहीं कह सकती, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे इस घर में आने से किसी की आयु कम हो जाए। पूजा, अगर मौत एक सच्चाई है तो जिंदगी भी एक सच्चाई है, और तुम अगर साथ दोगी तो हम मौत को भी मुस्कुराना सिखा देंगे। शास्त्र जी, अब आप जा सकते हैं। बोलो पूजा, क्या तुम मेरी बहू बनोगी? आपके विश्वास को इनकार करने की शक्ति मुझ में नहीं है माँ। फिर देर किस बात की है? शहना ही बजवाई जाए। दादाजी, अरे कहाँ हैं आप दादाजी? हाँ, there you are। दादाजी, आज आपके साथ मैं भी शराब पीऊंगा। एक बहुत ही अच्छी खबर लाया हूँ आपके लिए। लेकिन बात हुई क्या, बता? अरे बात बाद में बताऊंगा, पहले चेयर्स तो कीजिए। नहीं, पहले बता बात क्या हुई। दादाजी, दादाजी मेरी प्रेमिका, मेरी महबूबा, मेरी मोहब्बत, मेरे साथ जन्म जन्म का साथ निभाने की कसम खाने वाली मेरी सब कुछ पूजा, दादाजी पूजा आज किसी और से शादी कर रही है। नहीं बेटा, पूजा आज किसी और से शादी कर रही है दादाजी। पूजा किसी और से। Let's celebrate! Let's... पूजा जी, आज हमारी शादी की पहली रात है और मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। बोलिए, ना तो नहीं कहेंगी? कहिए। मुझे वचन दीजिए, मेरी मां के चेहरे पर आप कभी दुख की छाया भी नहीं आने देंगे। मैं उन्हें हमेशा मुस्कुराता देखना चाहता हूं। मुझे तो अपने पापा की याद भी नहीं। मेरी मां मेरे लिए पापा और मम्मी दोनों हैं। मैंने जीवन में कभी किसी को प्यार किया है तो सिर्फ अपनी मां को। वो बहुत बीमार है, उनका दिल बहुत कमजोर है, एक हल्की सी ठेस भी वो झेल नहीं पाएंगी। ये शादी मैंने अपनी मां की खुशी के लिए की है और हमारा काम है कि उन्हें हमेशा हर हालत में खुश रखना। यही आपसे मेरी प्रार्थना है। मैं उनकी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मुझे भी आपसे कुछ कहना है। हाँ हाँ बोलिए, क्या कहना है? शादी से पहले मैं किसी से प्यार करती थी। मां को ये बात पता है? नहीं। बताइएगा भी नहीं, उन्हें बहुत दुख होगा। उन्हें तो ये पता चलना चाहिए कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत सुखी हैं। और जहां तक आपके किसी और से प्यार करने की बात है तो एक बात कहूं, मैं अपना पति होने का अधिकार आप पर कभी नहीं जताऊंगा। जिस मन मंदिर में किसी और की मूर्ति विराजमान है मैं वहां आने की कोशिश भी नहीं करूंगा।
सुनिए, जरा मेरी तरफ देखिए। मेरा प्यार मेरा कल था और आप मेरे आज हैं, मेरे पति हैं, और अब मेरे मन मंदिर में सिर्फ मेरे पति की मूर्ति विराजमान है। अब वहां कोई और नहीं हो सकता। प्रेम कौन? रमेश माय फ्रेंड। अरे अरे पीने दे यार, थोड़ी और पीने दे। पूजा तुम, पूजा दादाजी, ये सब क्या हो रहा है? अगर ये इसी तरह से पीता रहा तो। देख रहा हूं बेटा, मैंने सोचा था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसकी भलाई के लिए कर रहा हूं, उसे मौत के मुंह से बचाने के लिए, लेकिन देख रहा हूं कि मैंने ही उसे मौत के मुंह में ढकेल दिया है। वो जीना ही नहीं चाहता। समझ में नहीं आता क्या करूं, कैसे बचाऊं उसे। दादाजी एक बात कहूं, इसे सिर्फ पूजा ही बचा सकती है। पूजा, पूजा, are you ready? कैसी लग रही हूं मैं? बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन ये तुम्हारे होठों पे क्या? क्या है? बदमाश! फिर खराब कर दिया ना मेकअप तुमने। अरे ये तुम्हारे आंखों में क्या? नहीं, पास मत आना तुम। अच्छा, अच्छा, ओके ओके बाबा। माश। हेलो। हेलो पूजा, मैं रमेश बोल रहा हूँ। रमेश? हाँ रमेश, बोलो क्या बात है। प्रेम दिन रात शराब के नशे में डूबा रहता है, हर बोतल उसे मौत की तरफ ले जा रही है। वो तुम्हें भूल नहीं पा रहा है। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? सिर्फ तुम ही उसे मौत के मुंह से बचा सकती हो, वो किसी की नहीं सुनता। लेकिन तुम्हें ना नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। देखो रमेश, अब मेरे साथ उसका कोई संबंध नहीं है। जानता हूँ, लेकिन सच तो यह है पूजा कि तुमने भी उसे बहुत प्यार किया है। प्लीज तुम आकर उसे बचा लो, वरना वो मर जाएगा। आई एम सॉरी रमेश, मैं नहीं आ सकती। पूजा, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। माफी? किस बात की माफी? दरअसल मैंने तुम्हें और रमेश को फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। मैं चाहता हूं कि तुम प्रेम से मिलो, उससे समझाओ। वो तुम्हारा कल है और मैं तुम्हारा आज। हर आज पर कल का कुछ उधार रहता है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि तुम्हारा कल भी सुखी रहे और आज भी। तुम ही उसे मौत के मुंह से निकाल सकती हो, और मुझे यकीन है वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगा। तुम जैसा पति पाकर पूजा की पूजा सफल हो गई।
सावन से कहा दिल की आग बुझा, सावन ने कहा चुपके से जल जा, मैंने बादल से कहा दिल की आग बुझा, बादल ने कहा पागल है तू क्या। मैंने सावन से कहा दिल की आग बुझा, सावन ने कहा चुपके से जल जा, मैंने बादल से कहा दिल की आग बुझा, बादल ने कहा पागल है तू क्या। ला 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 हे 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 हा 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 हा। सावन के बस की बात नहीं, बादल के बस का काम नहीं, इस रोग की कोई दवा नहीं, इस दर्द का कोई नाम नहीं। मैंने जाम से कहा मुझको जलने से बचा, तो जाम ने कहा ले ये आती जाओ। मैंने सावन से कहा दिल की आग बुझा, सावन ने कहा चुपके से जल जा। हालत मैंने नहीं, पूजा ने बनाई है मेरी।
छोड़ के चली गई मुझे। इतना भी नहीं सोचा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। प्यार? प्यार करने वाले आंसू बहाते नहीं, आंसू पीते हैं, रोते नहीं, मुस्कुराते हैं। उनकी यादों का नशा इतना गहरा होता है कि शराब की जरूरत नहीं पड़ती। सच तो यह है कि तुमने पूजा से प्यार नहीं किया, सिर्फ उसे पाने की कोशिश की है। और जब तुम उसे नहीं पा सके तो तुम्हारा दिल टूट गया, क्योंकि तुम उसे नहीं अपने आप से प्यार करते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। और तुम्हें दुख हो रहा है कि उसकी शादी तुम से नहीं किसी और से हो गई। वो बहुत खुश है और उसकी खुशी तुमसे देखी नहीं जा रही। नहीं, ये झूठ है। ये झूठ है तो सच क्या है? सच? सच तो ये है पूजा कि मैंने तुम्हें और सिर्फ तुम्हें प्यार किया है। आज भी तुमसे प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। अगर ये सच है तो उसकी खुशी में खुश रहो, उसे मुस्कुराता देखकर मुस्कुराओ। उसकी याद में मरने की बजाय जिंदा रहना सीखो। और अगर तुम पूजा से सच्चा प्यार करते हो तो तोड़ दो ये बोतल, छोड़ दो ये शराब। और अगर तुम ये नहीं कर सकते तो फिर अपने मुंह से कभी पूजा का नाम नहीं लेना। मत कहना कि तुम उसे प्यार करते हो, मत कहना। प्रताप, स्विट्जरलैंड से वही 200 करोड़ रुपए वाली पार्टी का फोन आया था। वो लोग यही चाहते हैं कि हम ही वो बिजनेस संभालें। तो आप ही चले जाइए मामा जी। मैं तो जाऊंगा ही बेटा, लेकिन तुम्हारा जाना भी बहुत जरूरी है। तो एक काम कीजिए, अगले महीने का प्रोग्राम बना दीजिए। अगले महीने नहीं, तुम कल जाओगे। कल तुम स्विट्जरलैंड जाओगे। लेकिन माँ, शर्म नहीं आती? शादी को 11 महीने हो गए हैं, अभी तक तुम लोग हनीमून नहीं गए, सिर्फ मेरा पल्लू पकड़कर घूमते रहो घूमते रहो। लेकिन माँ, आपको छोड़कर? फिर माँ, ये क्या मुसीबत है? देखो टिकट्स आ गए हैं, तुम लोग दोनों कल जा रहे हो, बस। आंखों में तुम हो, आंखों में तुम। सीने में दिल धक धक
पहले ये नींद गई फिर ये करार न जाने क्या जाएगा अब की बार मुख पे सजा लिया मैंने ये प्यार बस हो गए मेरे सोला सिंगार को खबर बस होश मेरे हो गए तुम क्योंकि आंखों में तुम हो आंखों में तुम सीने में दिल धक धक धुम धुम क्योंकि आंखों में तुम हो आंखों में तुम रहते हैं हम खोए खोए गुमसुम क्योंकि प्रेम साहब आपने तो कमाल ही कर दिया थैंक यू हाँ कितनी सफाई से कातिल को उसी की बातों में फंसा दिया और ऐसा फंसा कि खुद ही मान गया कि वो कातिल है दादाजी आप व्हाट अ लवली सरप्राइज दादाजी ये ले बेटा इसकी क्या जरूरत थी आज तूने एक ऐसा केस जीता है जिसे यहाँ के बड़े बड़े वकीलों ने लेने की हिम्मत नहीं की आई एम प्राउड ऑफ यू थैंक यू दादाजी चल बेटा चल घर चले चलिए पूजा पूजा इन फूलों के असली हकदार तुम हो मेरी सारी सफलता मेरा नाम सिर्फ तुम्हारी वजह से है तुम जहां भी हो खुश रहो सुखी रहो और दुनिया की तमाम खुशियां इन फूलों की तरह हमेशा तुम्हारे कदमों में रहे प्रताप तुमने पेरिस जाने के लिए गाड़ी के लिए कहा था ये रही चाबी और वो गाड़ी तुम लोग जाओ आप कब आएंगे बस यहां का काम खत्म करते ही तुम्हें वहां मिलता हूं हैप्पी जर्नी चले पूजा हाँ याद है आज कौन सी तारीख है 6 अक्टूबर और कल 7 अक्टूबर हमारी शादी की पहली सालगिरह तो याद है तुम्हें ये तारीख मैं कैसे भूल सकता कल क्या करेंगे हम लोग कल हम लोग अपनी शादी की सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाएंगे नाचेंगे गाएंगे एक दूसरे के प्यार में समा जाएंगे ओह माय गॉड क्या हो रहा है पूजा गाड़ी के ब्रेक्स काम नहीं कर रहे ओह माय गॉड अब क्या करेंगे ये क्या हो रहा है प्रताप Thank you.
खुद जा गाड़ी से तुम। नहीं। प्लीज पूजा गाड़ी से कूद जाओ तुम। नहीं, कूदेंगे तो हम दोनों कूदेंगे। तुम भी कूद जाओ प्रताप। नहीं, मैं कूद जाऊंगा, पहले तुम कूद जाओ पूजा। नहीं, कूद जाओ पूजा। प्रताप। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। पूजा मेरी बात सुनो। पूजा ये खबर माँ तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वो ये खबर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, वो मर जाएगी। माँ को संभालना तुम्हारा काम है पूजा। तुम्हें कुछ नहीं होगा प्रताप, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पूजा 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 धूमधाम से मनाएंगे अपनी शादी की पहली सालगिरह, नाचेंगे गाएंगे और एक दूसरे के प्यार में समा जाएंगे। रखो बेटी, जो होना था वो हो ही गया, अब रोने से क्या फायदा। मेरी जिंदगी में तो अब रोना ही रोना है मामा जी। समझता हूँ बेटी, लेकिन अभी तो रानी दीदी का भी सामना करना है। समझ में नहीं आता कि उन तक ये खबर कैसे पहुंचाओ। नहीं नहीं नहीं, माँ को कुछ भी नहीं बताना है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जो भी हो, माँ को कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए, यही उनकी अंतिम इच्छा थी। लेकिन बेटी, इतनी बड़ी बात हम कब तक छुपा के रखेंगे? माँ की अंतिम सांस तक। ठीक है बेटी, तुम जैसा चाहो वैसे ही होगा। तुम्हारे और मेरे सिवाय किसी को यह पता नहीं चलेगा कि प्रताप अभी इस दुनिया में नहीं है। मैं सब इंतजाम कर दूंगा कि प्रताप का नाम पुलिस के रिकॉर्ड में और डेथ सर्टिफिकेट पर ना हो। Yeah.
अरे प्रणाम, वापस आ गए? तुम लोग तो 2 महीने के लिए गए थे, 10 दिन में वापस आ गए। प्रताप कहाँ है? प्रताप कुछ काम से लंदन गए हैं और मुझे स्विट्जरलैंड से मामा जी के साथ भेज दिया। क्या हुआ? क्या हुआ? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? मेरा मतलब है फिसल गई थी। ओह, ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं, मामूली सी। अजीब पागल लड़का है, उसे हनीमून के लिए भेजा था या बिजनेस करने के लिए? और बिजनेस के लिए जाना था तो तुम्हें साथ लेकर जा सकता था। कहाँ ठहरा है लंदन में? फोन लगाओ, मैं बात करूंगी। वो तो अब लंदन से निकल चुके होंगे, कह रहे थे कई जगह जाना है, शायद काफी वक्त लग जाए। पूजा? ए पूजा? हाँ? क्या बात है, तुम खोई खोई सी, कुछ मुरझाई सी लग रही हो। हाँ? नहीं, क्यों? प्रताप ने परेशान तो नहीं किया ना? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तुम जाओ आराम करो। जी जाओ।
हाय पूजा, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ, और तुम? भाई पहले तो ठीक नहीं था, लेकिन तुम्हारी डांट सुनने के बाद अब बिल्कुल सुधर गया हूँ। पूजा, तुमने मुझे बचा लिया, वरना शराब की आदत ने मुझे बर्बाद ही कर दिया था। खैर मेरी छोड़ो, कुछ अपने बारे में सुनो। तुम्हारे पति कैसे हैं? अच्छे हैं, खुश हैं। तुम्हारे जैसी पत्नी पाकर कौन खुश नहीं होगा? He's really a very lucky man. अरे हाँ, पिछले सोमवार तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, सोचा फोन करके तुम्हें बधाई दे दूं। किस बात की बधाई? भाई पिछले सोमवार को 7 अक्टूबर था, तुम्हारी शादी की पहली सालगिरह। चलो देर से ही सही, तुम्हें आज बधाई दिए देता हूँ। विश यू अ वेरी हैप्पी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी एंड मेनी मोर टू कम। थैंक यू। अब चलो, जल्दी जाना है। पूजा, मैं देख रही हूँ जब से तुम वापस आई हो खोई खोई से रहती हो, भूख भी कम हो गई तुम्हारी, क्या बात है? नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, उसका कोई फोन नहीं आया? जी हाँ, कल रात को ही उनका फोन आया था, आप आराम कर रही थी इसलिए आपको जगाया नहीं। मैंने कितनी बार कहा है कि जब भी उसका फोन आए मुझे जगा दिया करो। खैर कोई बात नहीं, क्या कह रहा था? वो आपका हाल पूछ रहे थे। वो ठीक तो है ना? जी हाँ, क्यों? कई दिनों से अजीब अजीब सपने आ रहे हैं। कब तक लौटेगा? कह रहे थे कि समय लगेगा, सारा काम पूरा करके आना चाहते हैं, फिर से दोबारा न जाना पड़े। मुझे नहीं लगता कि वो सच कह रहा है। क्यों? क्योंकि अगले हफ्ते दुर्गा पूजा है और दुर्गा पूजा के समय वो हमेशा यहाँ रहता है। मालूम था तू आएगा, जा माँ को प्रणाम कर।
नहीं था, कैसे मुरझाई हुई थी। नाचती थी न ठीक तरह से खाना खाती थी, अब देखो कैसे खिल रही है। हाँ अब मैं आ गया हूँ माँ, देखना सब कुछ ठीक हो। तुम कौन हो? मैं कौन? मैं तुम्हारा पति प्रताप। मेरे पति? नहीं, तुम मेरे पति नहीं हो। अरे ये तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हारा पति हूं, उस एक्सीडेंट में मैं बच गया था। नहीं ये नहीं हो सकता, मैंने अपनी आंखों के सामने तुम्हारी गाड़ी को जलते और टुकड़े टुकड़े होते देखा है। तुमने ठीक देखा, लेकिन जिसे वो बचाना चाहता है उसे कोई नहीं मार सकता। लेकिन लेकिन तुम बचे कैसे? हमारी गाड़ी के एक्सीडेंट के बाद जब तुम मदद मांगने के लिए बाहर निकली थी, तब मैं किसी तरह गाड़ी से बाहर निकल के आया। उसी वक्त एक धमाका हुआ और मैं बेहोश हो गया, और जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया। पता लगा कुछ लोग मुझे उठाकर ले गए थे और मैं कई दिनों तक बेहोश पड़ा रहा। पूजा, तुम्हारे प्यार की शक्ति ही मुझे मौत के मुंह से निकाल लाई। मैं ही तुम्हारा प्रताप हूं। तुम्हारी बहुत कृपा है मां, तुमने मेरा सुहाग बचा लिया, मेरा पति वापस आ गया। प्रताप नहीं हो, बोलो कौन हो तुम? अरे पूजा ये तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हारा प्रताप हूँ। नहीं, प्रताप की पीठ पर कोई मस्सा कोई दाग नहीं था। कौन हो तुम? बोलो कौन हो तुम? अरे क्या फर्क पड़ता है कि मैं प्रताप हूँ या रंजीत? तुम किसी को तो ये बता सकती नहीं कि प्रताप मर गया है और मैं रंजीत हूँ, क्योंकि ये सुनते ही वो बुढ़िया मर जाएगी। तुम चाहते क्या हो? अपनी शक्ल का फायदा उठाना चाहता हूं। प्रताप से अपनी शक्ल मिलती है, अरे आखिर क्यों ना मिले। मैं प्रताप के बाप की नाजायज औलाद हूं। नाजायज औलाद? इस करोड़ों की जायदाद में 50 लाख तो मुझे भी मिलना चाहिए। ठीक है, मिल जाएंगे, मगर इतना याद रखना, मैं जो कुछ भी कर रही हूं मां के लिए कर रही हूं। अगर उन्हें कोई भी ठेस पहुंची तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मां को यही पता लगना चाहिए कि हम दोनों बहुत सुखी पति पत्नी हैं। और दूसरी बात ये कि मैं यहां सोऊंगी और तुम वहां उस कमरे में। जहां बोलोगी सो जाऊंगा, जो कहोगी करूंगा। अपने को तो अपने 50 लाख से मतलब है। पति की एक्टिंग करते करते तुम्हें पत्नी बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा सुंदरी। जो रंजीत, कहो कैसी कटी पहली रात? सब मामला फिट हो गया ना? बस
जरा सी गड़बड़ हो गई, पूजा ने मुझे पहचान लिया। क्या? अरे बेवकूफ उल्लू गधे, मैंने तुम्हें वो सारी वीडियो फिल्म इसलिए दिखाई थी कि तू प्रताप की हर बात हर अदा तो अच्छी तरह से सीख ले, और तू है कि पहली याद ही चीत हो गया। अरे बॉस अब तुम ही सोचो जरा, इतनी सेक्सी लड़की अगर अपनी बाहें फैलाए मेरे सीने से चिपके तो मैं कीर्तन करता। किंतु पकड़ा तो गया ना, सब सत्यानाश कर दिया। पूजा अगर तुझे प्रताप मान लेती ना, सारी दौलत मुट्ठी में होती। बेकार ही परेशान हो रहे हो, मैंने सब कुछ फिट कर दिया है, वो सब के सामने मुझे प्रताप बनाकर ही रखेगी और उसके लिए मुझे पूरे 50 लाख रुपए देगी। तो मैं एकदम मुल्लू के पट्टे हो। अब क्या हो गया, तुम 50 लाख रुपए से खुश हो रहे हो? मैं तो 20 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, 20 करोड़ का। मैंने तुमसे उसकी गाड़ी के ब्रेक इसलिए निकलवाए थे ताकि वो वहां दोनों मर जाए और तुम यहां प्रताप बनकर आ जाओगे। रनीमा मरी और ये सारी दौलत हमारी, लेकिन खैर जो होना था सो हो गया, लेकिन अब दोबारा कोई गलती मत करना। पूजा जा, जा चुप जा, जा। नमस्ते मामा जी। नमस्ते बेटी। पूजा बेटी तुम यहाँ कैसे? मामा जी एक मुसीबत आ गई है। क्या है बेटी? कल सिंदूर उत्सव में अचानक एक आदमी आ गया जिसकी शक्ल प्रताप से बिल्कुल मिलती है, यहाँ तक कि रानी माँ भी उसे अपना बेटा मानती हैं। क्या कह रही हो तुम, कुछ पता चला वो कौन है? वो कह रहा था उसका नाम रंजीत है। रंजीत? मामा जी अब मैं क्या करूं? संभल कर रहना बेटी, जब दीदी ने उसे प्रताप मान ही लिया है तो तुम्हें भी उसकी बीवी बने रहने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। लेकिन मामा जी एक अनजान आदमी के साथ डर लगता है। बेटी बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं जो सब संभाल लूंगा। ठीक है मामा जी अब मैं चलती हूँ। खुश रहो बेटी। कुर्सियाँ इस तरफ और उस तरफ लगा। अच्छा रानी माँ। डाइनिंग के लिए यहाँ इस तरफ एक और उस ये सब तरफ क्या एक। हो रहा है माँ? आज प्रताप का जन्मदिन है ना, बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। पूजा एक गाना गाएगी। क्या माँ ये क्या छोटा बच्चा है जो हैप्पी बर्थडे गाना गाएंगे? अरे मैंने कब कहा कि तुम हैप्पी बर्थडे गाना गाओ, जो गाना तुम्हें सबसे पसंद है वही गाना गाओ। ला 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 Oh
मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। नफरत हो या मोहब्बत आसान नहीं होती। आंसू खुशी के गम के होते हैं एक जैसे। आंसू खुशी के गम के होते हैं एक जैसे। इन आंसुओं की कोई पहचान नहीं होती। हाँ हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। नफरत हो या मोहब्बत आसान नहीं होती। हर बात है वहीं पर मतलब बदल गए हैं। दिल डगमगा गया था पर हम संभल गए हैं। ऐसे भी आते हैं दिन जीते हैं लोग लेकिन। ऐसे भी आते हैं दिन जीते हैं लोग लेकिन। होता है और सब कुछ पर जान नहीं होती।
तुम अंदर कैसे आए? जब पति डुप्लीकेट हो सकता है तो चाबी डुप्लीकेट नहीं हो सकती क्या? तुम चाहते क्या हो? तुमने मेरा दिया हुआ केक तो मुंह से निकाल कर फेंक दिया, लेकिन अब तुम मुझे इस कमरे से नहीं निकाल सकते। तुम्हारा मतलब? छोड़ो मुझे, छोड़ो, खबरदार मुझे छुआ तो। धीरे बोल धीरे, वरना तेरी सांस जाग जाएगी। बास्टर्ड, अगर तूने मुझे छुआ तो इसकी सारी गोलियां तेरे सीने के पार हो जाएंगी। मुझे गोली नहीं मार सकती, क्योंकि गोली की आवाज सुनते ही बुढ़िया यहां आ जाएगी और तुमसे पूछेगी, पूजा ये तुमने क्या किया? तो क्या जवाब दोगी? और असलियत सुनते ही बुढ़िया मर जाएगी। माजी का क्या होगा मैं बाद में सोचूंगी, लेकिन अब तू मारा जाएगा। गेट आउट, आई से गेट आउट। हेलो प्रेम। पूजा तुम? प्रेम मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्या बात है पूजा, सब ठीक तो है ना? कब मिल सकते हो? जब तुम चाहो, आज आ जाओ। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। प्रणाम माँ। हैप्पी बर्थडे माँ। प्रताप कहाँ है? सो रहे हैं। लंदन से आने के बाद प्रताप कुछ बदल सा गया है। क्यों, आप ऐसा क्यों सोचती हैं माँ? देख रही हूँ, देर तक सोता है, शराब पीता है, ऐसा तो पहले कभी नहीं करता था। वैसे शादी के बाद आदमी थोड़ा बहुत तो बदल ही जाता है, और फिर कल रात पार्टी में दोस्तों के साथ पी गए होंगे। गुड मॉर्निंग रानी माँ। गुड मॉर्निंग। हेलो पूजा बेटा। गुड मॉर्निंग। मैं आपके लिए बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। मैंने आपकी ब्लड रिपोर्ट, ईसीजी रिपोर्ट खूब गौर से देखी है। आपकी सेहत पहले से अच्छी हो गई है, और ये सब हमारी दवाओं का चमत्कार है। ये आपकी दवाओं का चमत्कार नहीं है डॉक्टर साहब, ये तो पूजा की सेवा का चमत्कार है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पूजा की सेवाएं और हमारी दवाएं साथ साथ चलती रही तो एक दिन आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। यानी अब ये नहीं मरेंगे? मेरा मतलब है कि अब डरने की कोई बात नहीं है डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, किसी किस्म की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जी अच्छा रानी माँ, मैं चलूं? डॉक्टर साहब आप शहर जा रहे हैं? हाँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ, वहाँ मुझे थोड़ा काम है। कम ऑन, वेलकम। चलती हूँ माँ। जाओ। अच्छा बुढ़िया तो मरने का नाम ही नहीं लेती है, जी तो करता है इसका गला दबाकर खत्म कर डालूं। प्रताप, प्रताप, ए प्रताप। हाँ माँ। आज तारीख कौन सी है?
पहला नवंबर। क्यों, कोई खास बात है माँ? नहीं, कोई खास बात नहीं, ऐसे ही पूछा था। माँ मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, एक जरूरी काम आ गया। अच्छा जा। Happy birthday to you। देख प्रताप, मैं नहीं पहनूंगी आज, तो मैं बिल्कुल नहीं पहनूंगी प्रताप। Happy birthday। देखो प्रताप, नहीं, ये मेरी इच्छा है, मेरी मर्जी। इतनी बड़ी माला, एक बार आपको पहननी पड़ेगी। नहीं, प्लीज, मैं नहीं पहनूंगी। एक बार पहन ले माँ। उफ, एक मिनट, एक मिनट। माँ कितनी सुंदर लग रही है तू। आज मेरा जन्मदिन है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा जन्मदिन मनाना तू कभी नहीं भूलता। मुझे जन्म देने वाली का जन्मदिन क्या मैं भूल सकता हूँ माँ? इस तरह से कोई जन्मदिन मनाता है क्या पागल? माँ कितनी अच्छी लग रही है माँ, मेरी माँ। अगर मेरा प्रताप नहीं है तो ये कौन है? मेरा प्रताप कहाँ है? अरे वो बुढ़िया मरने का नाम ही नहीं लेती है। और वो साला डॉक्टर कहता है उसकी सेहत पहले से ज्यादा अच्छी हो गई है। अब अपने से ये नाटक वाटक नहीं होता है। पागलों जैसी बातें मत करो, करोड़ों की दौलत फोकर में नहीं कमाई जाती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग खर्च करना पड़ता है, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। व्हाट? नाजायज दौलत? और कुछ? इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानती। पूजा, ये सारी बातें तुम्हें मुझे बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। खैर, वो जो कोई भी है मैं उसका पता लगाता हूं, और तुम अपना ख्याल रखना, रानी मां को संभालना, एक मिनट के लिए भी उन्हें अकेला मत छोड़ना। काम हो गया? हाँ माँ, काम हो गया। माँ घूमने जा रही थी। हाँ। चलो मैं घुमा के लाता हूँ। पूजा, कभी भी किसी भी वक्त मेरी जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर देना। And take care. Thank you very much, Prem. चलो। Bye. Bye. राधा जी, माँ क्या कर रही हैं? माँ जी को तो प्रताप साहब घुमाने ले गए हैं। किस तरफ? उस तरफ। प्रताप। हाँ माँ। तुम्हें याद है यूरोप जाने से पहले तुमने मुझसे एक वादा किया था? कौन सा वादा माँ? कि इस पहाड़ी पर तुम शिवजी का एक मंदिर बनाओगे। बिल्कुल याद है माँ, और मैंने आर्किटेक्ट से बात भी कर ली थी, वो मुझे दो तीन डिजाइन बना के देगा, उसमें से आप एक पसंद कर लीजिएगा। माँ आपको दिया वादा मैं कभी भूल सकता हूँ क्या? ये झूठ है। ये झूठ नहीं, सच है माँ। मैंने मामा जी के सामने आर्किटेक्ट से बात की। वो लीजिए मामा जी, यार उनसे आप पूछ लीजिए। मैंने अपने बेटे से कभी कोई मंदिर बनवाने की बात ही नहीं की। तुम प्रताप नहीं हो।
बताओ तुम कौन हो? जब आपने पहचान ही लिया है तो मैं बता ही देता हूं। मेरा नाम रंजीत है, आपके पति की नाजायज औलाद। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा है ये दीदी, बिल्कुल सच बोल रहा है। जीजाजी शादी से पहले अक्सर मुन्नी बाई के कोठे पर जाया करते थे, उन्हीं की नाजायज औलाद है ये रंजीत। अरे माँ मर गई, मैं रास्ते में आ गया, चोरी चकारी करके पेट चला था। एक दिन पोहन बाबू के यहाँ चोरी करने गया और पकड़ा गया। रुक जा साहब, गोली मत मारिए साहब। सोचा अब तो मार भी पड़ेगी और बड़े घर की हवा भी खानी पड़ेगी। लेकिन वहां तो सीन ही उल्टा हो गया। उन्होंने मेरा थोबड़ा देखा और बोला, तुम्हारा नाम क्या है? सब रंजीत साहब। रंजीत? हाँ जी। मोहनलाल, ये तो तेरे लिए 20 करोड़ का बेरर चेक है। 20 करोड़ का बेरर चेक? कुछ बोला साहब? तू मेरे काम करेगा, उसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपए मिलेंगे। 2 लाख रुपए के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ साहब। कट। मेरा प्रताप, मोहन मेरा प्रताप कहाँ है? मेरा प्रताप कहाँ है? मेरा प्रताप कहाँ है? रानीमा, आपका प्रताप अब इस दुनिया में नहीं है। किसने मारा है उसे? किसने मारा है? सोचा तो था कि गाड़ी का ब्रेक फेल करके दोनों को मार डाले, लेकिन पूजा बच गई और प्रताप मर गया। और प्रताप के मरने की खबर सुन के आपका कहीं हार्ट फेल ना हो जाए, इसलिए पूजा सुहागन के रूप में वापस आई है। और फिर बॉस ने इस 2 नंबरी माल को असली प्रताप बनाकर आपके यहाँ फिट कर दिया। बॉस, आपने तो कहा था कि इनका दिल बहुत कमजोर है, बेटे के मरने की खबर सुनते ही मर जाएगी, लेकिन ये तो बड़ी पत्थर दिल निकली, आराम से बैठ के हमारी कहानी सुन रही है। इन्हें समझाइए ना, बेटा तो मर गया है, अब ये भी मर जाए। चिंता मत कर दीदी, हम पे इतना अत्याचार तो मत कीजिए, अपने आप मर जाएगा। प्लीज दीदी, हम पर कृपा कीजिए प्लीज। मोहन, मुझे मालूम नहीं था तू इतना बड़ा कमीना है। दीदी, ये हरामी तो हमसे भी बड़ा कमीना है। मैं तो हाथ जोड़ के आपको मरने की प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन ये इस हरामी ने तो आपको नीचे गिराकर मारने का प्लान किया है। क्यों रंजीत, मैं ठीक बोल रहा हूँ? यस बॉस, अब मैं अपना काम शुरू कर ही देता हूँ। Thank you.
इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम प्रताप बर्मन है, मैंने ही आपको फोन किया था। मेरी पत्नी ने मेरे माँ का और मेरे मामा का खून कर दिया और मुझे भी मारने की कोशिश की है। मैंने उसे अंदर बंद करके रखा। आइए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, इस शैतान ने मां का खून कर दिया। मैडम, खून किसने किसका किया है ये तो अदालत ही बताएगी। बैनर्जी, अरेस्ट। बैनर्जी। यस सर। तुम उस तरफ चप्पा चप्पा छान मारो, मैं इस तरफ देखता हूं। चलो आओ। रंजीत है, आपके पति परमेश्वर की नाजायज औलाद। मां मर गई और मैं रास्ते पे आ गया, चोरी चकारी करके पेट भरता था। बुढ़िया बहुत चालाक थी, चोरी करने मरते मरते भी मेरी फांसी का इंतजार दिखाने पड़ेगी और पड़ेगी। लेकिन अब फांसी पे चढ़ेगी पूजा, मेरा थोड़ा देख और इस सारी जायदाद का मालिक बनेगा रंजीत। योर ऑनर, लगता है श्रीमती पूजा देवी फिल्में बहुत देखती हैं। इनका कहना है कि इनका पति मिस्टर प्रताप विदेश में कार एक्सीडेंट में मारा गया और यह हिंदुस्तान में किसी को खबर ही नहीं हुई। कुछ दिनों बाद हूबहू उसी शक्ल का एक आदमी वापस आ गया और किसी को पता नहीं चला कि वो असली प्रताप नहीं, नकली है। योर ऑनर, एक अंधी मां भी अपने बेटे की खुशबू सूंघकर पहचान लेती है कि उसका बेटा आ गया। लेकिन श्रीमती पूजा देवी का कहना है कि दो आंखों से देखने वाली रानी मां भी उसे नहीं पहचान पाई। और मजे की बात तो यह है मिलोर्ड, कि वही नकली प्रताप इतने दिनों तक पूजा देवी के साथ इन्हीं के बेडरूम में सोता रहा और इन्हें पता ही नहीं लगा। और पता लगा तो कब, किस हालत में, ये वो ही जाने। ऑर्डर ऑर्डर। सच तो ये है योर ऑनर कि श्रीमती पूजा एक बहुत ही चालाक और बचलन औरत है और ये आदर्श बहू बनने का नाटक कर रही है। एक दिन जब रानी मां ने पूजा देवी को इनके प्रेमी के साथ पकड़ लिया तो इन्होंने रानी मां का खून कर दिया। योर ऑनर, मैनेजर और इनका पति जब रानी मां को बचाने के लिए आए तो इन्होंने मैनेजर का भी खून कर दिया और अपने पति पर कातिलाना हमला किया। योर ऑनर, ये सब साबित करने के लिए मैं आपके सामने कुछ गवाह पेश करना चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू सर। योर ऑनर, मेरा पहला गवाह है रानी मां का ड्राइवर राम सिंह। जब रानी मां और मोहन बाबू का खून हुआ तब तुम कहां थे?
हजूर, मैं पहाड़ी के पास ही था। तुम वहाँ क्या कर रहे थे? जी जी वहाँ। हाँ बोलो बोलो, क्या कर रहे थे तुम वहाँ? जी वहाँ मैं पूजा मैम साहब के यार को लेकर गया था। पूजा मैम साहब का यार कौन है वो? हजूर वो हजूर। हाँ बताओ। वो हाँ बोलो। जी वो वकील साहब। क्या तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि ये वकील साहब ही पूजा देवी के यार हैं? जी हाँ, इन दोनों का शादी से पहले का ही टांका है। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ तो तुम बता रहे थे कि पूजा देवी के कहने के मुताबिक तुम वकील साहब को पहाड़ी पे ले गए थे। जी साहब, ले गया था। फिर क्या हुआ? फिर क्या, वकील साहब ने मुझे सहो का पत्ता दिया और कहा जाओ, फिर मैं वापस आने लगा। ये झूठ बोल रहा है जज साहब, सरासर बकवास कर रहा है। ये जो भी बोल रहा है इसे बोलने दीजिए। झूठ और सच का फैसला करने से पहले आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। कंटिन्यू मिस्टर गुप्ता। थैंक यू योर ऑनर। हाँ राम सिंह, जब तुम वापस आने लगे फिर क्या हुआ? हजूर फिर सब गड़बड़ हो गई। कैसी गड़बड़? हजूर मैंने देखा कि रानी माँ पहाड़ी की तरफ आ रही है। बड़ी हंसी आ रही, क्या बात है? अरे बाप रे, क्या हुआ? माँ आ रही है। माँ? तुम जाओ। उल्टा शर्म नहीं आती तुझे? पराए मर्द के साथ कुल छड़े उड़ा रही है तू? मेरे खानदान की नाक काट दे तूने। जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो तुझे मैं इस घर की बहू बनाकर लाई थी। आने दो प्रताप को, मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। और तू देखना बहू तेरा क्या हाल करता है, तू देखना। उसके आने तक तू जिंदा नहीं रहेगी। मैं ये सब देखकर घबरा गया हजूर, और फिर दौड़कर साहब और मैनेजर साहब को खबर कर दी। That's all, your honor. अगर मेरे फाजिल दोस्त कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। थैंक यू मिस्टर गुप्ता। हाँ तो राम सिंह बोलो, तुम्हारी शादी हो गई? जी नहीं। तुम शराब पीते हो? नहीं नहीं जी नहीं। जुआ मटका वगैरह खेलते हो? नहीं नहीं सरकार। तो कोठों पर गाना सुनने जरूर जाते होगे? नहीं 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 सरकार, मैं कभी नहीं गया। क्या मतलब, तुम्हारे अंदर कोई बुरी आदत नहीं है? नहीं सरकार, मुझमें कोई बुरी आदत नहीं। अरे फिर उन 30,000 रुपयों का तुम क्या करोगे? जी हाँ, वही 30,000 जो तुम्हें झूठी गवाही देने के लिए मिले हैं। मुझे 30,000 रुपये नहीं मिले। क्या, तो क्या कम मिले हैं? जी आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, वकील साहब मेरे गवाह के मुंह में अपने शब्द डालने की कोशिश कर रहे हैं। योर ऑनर, अब कौन किसके मुंह में क्या डालने की कोशिश कर रहा है ये तो या गवाही देने वाला जाने या फिर पैसे देने वाला जाने। मैं तो सिर्फ इतना जानने की कोशिश कर रहा था कि इतने बड़े काम के लिए जहां करोड़ों की जायदाद का सवाल है, कहीं इस गरीब को कम पैसे तो नहीं मिले? मिस्टर प्रेम, आप ऐसे सवाल नहीं कर सकते। आई एम सॉरी योर ऑनर। खैर राम सिंह, जो हो गया उसे भूल जाओ, अब आगे से ऐसे कामों के लिए दबा के पैसे लेना। जी अच्छा। ऑर्डर ऑर्डर। ठीक है राम सिंह, अब तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। नमस्ते। मेरे काबिल वकील साहब को अगर कानून की मदद करने में कोई एतराज न हो योर ऑनर, तो मैं इनसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? मिस्टर प्रेम, आपको मजबूर नहीं किया जा सकता अगर आपको एतराज ना हो। नो योर ऑनर, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। थैंक यू मिस्टर प्रेम। क्या यह सच है कि आप और पूजा देवी एक दूसरे को उनकी शादी के पहले से जानते हैं? जी हां जानते हैं। आप दोनों में अच्छी दोस्ती थी? जी। अक्सर मिलते भी होंगे? खैर जाने दीजिए, शादी के
बात भी मिले? कुछ दो या तीन बार अचानक मुलाकात हो गई थी और मैंने ये नहीं पूछा कितनी बार मिले थे। जी मिले थे। वारदात के दिन भी? जी हाँ वारदात के दिन भी। मैं पूजा जी को घर पहुंचाने गया था। नहीं नहीं मैंने ये नहीं पूछा कि आप क्या करने गए थे। खैर मेरा आखिरी सवाल, क्या आप और पूजा देवी शादी से पहले एक दूसरे को प्यार करते थे? हाँ मैं पूजा से प्यार करता था, आज भी करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। लेकिन प्यार करने के लिए मिलना जरूरी नहीं होता। एनी मोर क्वेश्चंस? नो थैंक्स। मिलो, मेरा अगला गवाह है सब इंस्पेक्टर मिस्टर मुखर्जी। इंस्पेक्टर मुखर्जी, आपको खून होने की खबर किसने दी? प्रताप बाबू ने। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा यहाँ पर दो खून हो गए, फौरन चले आइए। उसके बाद आप वहां पहुंचे और रंगे हाथों खूनी को पकड़ लिया? रंगे हाथों नहीं, लेकिन जब मैं आनंद महल पहुंचा तो मोहन बाबू का खून हो चुका था और जिस रिवॉल्वर से उनका खून हुआ था वो पूजा देवी के सामने ही पड़ा हुआ था और तब मैंने पूजा देवी को अरेस्ट कर लिया। That's all, Your Honor. Your witness. इंस्पेक्टर मुखर्जी, जब आप मौका वारदात पर पहुंचे तो क्या आपने वो घाटी देखी जहां से रानीमा को फेंका गया था? जी हाँ। वहां आपको उनकी लाश मिली थी? जी नहीं, हो सकता है लाश नदी में बह गई हो, लेकिन व्हीलचेयर और वीडियो कैमरा मिला था। हाँ? क्या कहा आपने, वीडियो कैमरा मिला? जी हाँ। आपने देखा कि उसमें आखिरी तस्वीरें किसकी ली गई थी? उसमें कोई कैसेट नहीं था। क्या उसमें कैसेट ही नहीं था? क्या ऐसा नहीं हो सकता इंस्पेक्टर मुखर्जी कि उसमें से कैसेट किसी ने निकाल लिया हो? हो सकता है। अच्छा बताइए इंस्पेक्टर साहब, क्या आप और पुलिस के आदमियों के अलावा वहां आपके साथ कोई और भी गया था? जी हाँ, मिस्टर प्रताप बर्मन साथ में गए थे। क्या ये मुमकिन नहीं है कि वो कैसेट खुद प्रताप बर्मन साहब ने निकाल लिया हो? मुमकिन है। थैंक यू इंस्पेक्टर। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह हैं मिस्टर प्रताप बर्मन। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आपका नाम? प्रताप बर्मन। आप पूजा देवी के पति हैं? नहीं, ये मेरा पति नहीं है जज साहब। ये आदमी मेरा पति नहीं है, ना ही इसका नाम प्रताप है, ये रंजीत है। ये ठीक कह रही है जज साहब, मैं इसका पति होना भी नहीं चाहता। मैं भूल जाना चाहता हूं कि इस खूनी के साथ कभी मेरी शादी हुई थी, जिस मां ने उसे इतने बड़े घर की बहुरानी बनाया उसने उसी का खून कर दिया, मेरी माँ का खून कर दिया, मेरी माँ का खून कर दिया। रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर प्रताप, संभालिए अपने आप को, अदालत आपके साथ पूरा इंसाफ करेगी, संभालिए। अच्छा ये बताइए, जब रानी माँ का खून हुआ आप कहाँ थे? आनंद महल में अपने मैनेजर के साथ बिजनेस की बातें कर रहा था। आपको कैसे पता चला कि पूजा देवी ने रानी मां का खून कर दिया? ड्राइवर राम सिंह दौड़ता हुआ मेरे पास आया, उसने बताया कि पूजा और रानी मां में कुछ झगड़ा चल रहा है। ना, ना, पूजा, ना, 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 पूजा, पूजा, ना। रानी को मार डाला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू भी जा अपनी रानी बहन के पास। और उसके बाद मैंने पूजा को आनंद महल के कमरे में बंद कर दिया और पुलिस को फोन कर दिया।
मिस्टर प्रताप, आपकी शादी कब हुई थी? जी पिछले साल 7 अक्टूबर को। शादी के कितने दिनों बाद आप हनीमून पे गए थे? जी यही कोई 11 महीने के बाद। इतनी देर क्यों? लोग तो शादी करते फौरन चले जाते हैं। मैंने जब भी जाने की बात की, पूजा टालती रही। टालती रही? कोई खास वजह? तब मेरी समझ में नहीं आया था, पर अब मैं समझ गया हूं। क्या समझ गए? आशिक तो यहां था, विदेश में क्या करते? पूजा देवी कहती हैं कि आप जो गाड़ी चला रहे थे उसके ब्रेक फेल हो गए, गाड़ी खाई में गिर गई और आप मर गए। वकील साहब, अगर हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट होता तो हम दोनों मरते। यानी एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था? हाँ, एक एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो हमारी गाड़ी का नहीं था, किसी और की गाड़ी का था। हम दोनों ने एक गाड़ी को खाई में गिरते हुए देखा था और अगले दिन वहां के अखबारों में उसकी फोटो भी छपी थी और उसमें यह लिखा था कि गाड़ी चलाने वाला एक हिंदुस्तानी था जिसका नाम रंजीत था। अब यह मुझे रंजीत बनाकर यह साबित करने पर तुली है कि मैं प्रताप ही नहीं हूं। That's all, Your Honor. Your witness. आज से पहले भी इस अदालत में लाखों लोग गीता पर हाथ रखकर सच बोलने की कसम खा चुके हैं। आप भी उन्हीं में से एक हैं, लेकिन मेरा अनुभव यह है कि सच बोलने की कसम खाने वाले अक्सर झूठ बोला करते हैं। आपका क्या ख्याल है? बोलते होंगे, लेकिन मैं सिर्फ सच बोलूंगा। तो चलिए एक आसान से सवाल का सच्चा जवाब दे दीजिए, आपका असली नाम क्या है? असली नाम से आपका मतलब? क्या मेरे दो नाम है? क्या मैं नकली हूं? अरे आप बेकार में नाराज क्यों हो रहे हैं? मैंने कब कहा कि आप नकली हैं? तो फिर आपका असली नाम से मतलब क्या है? मतलब ये है कि अक्सर लोगों के दो नाम होते हैं, एक घर का नाम होता है जैसे विकी, सैंडी, बंटी वगैरह, लेकिन उनका एक असली नाम भी होता है, होता है या नहीं? होता होगा। ठीक उसी तरह आपका असली नाम क्या है? मेरा सिर्फ एक ही नाम है, प्रताप बर्मन, वल्द विजय बर्मन, वल्द शमशेर बर्मन, और कुछ? एक मिनट, क्या कहा आपने? प्रताप बर्मन, वल्द विजय बर्मन? आपको कोई एतराज है? जी नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है। यानी विजय बर्मन आपके पिता थे? जी। उनकी मूछें थी क्या? अजी मैंने पूछा, क्या आपके पिताजी मूछें रखते थे? जी हाँ, मूछें रखते थे। तो इतनी देर तक क्या सोच रहे थे? बचपन में देखा था, याद कर रहा था। याद रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने बाप का नाम भी भूल जाएं। खैर छोड़िए। अच्छा ये बताइए, आप बचपन में कहाँ पढ़े थे? फिर आप पूछेंगे मैं कौन से कॉलेज में पढ़ा था, बीए कौन से डिवीजन में पास किया था, कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर मिले थे। जज साहब, मैं यहाँ अपनी माँ के खून का इंसाफ मांगने आया हूँ, कोई नौकरी मांगने नहीं आया हूँ। और वकील साहब, अपने महबूबा को बचाने के लिए यह साबित करने पर तुले हैं कि मैंने अपनी माँ का खून किया। आखिर मैं अपनी माँ का खून क्यों करूंगा? क्योंकि वो तुम्हारी माँ नहीं थी, क्योंकि तुम प्रताप बर्मन नहीं हो। अगर मैं प्रताप बर्मन नहीं हूँ तो प्रताप बर्मन कौन है, कहाँ है? प्रताप बर्मन वहाँ है जहाँ तुमने उसे भेजा है। मैंने उसे कहीं नहीं भेजा। फिर से सोच लो, क्या तुमने प्रताप बर्मन को कहीं नहीं पहुँचाया? मैंने उसे कहीं नहीं पहुँचाया। क्या तुमने उसे दूसरी दुनिया में नहीं पहुँचाया? नहीं। क्या तुमने प्रताप बर्मन का खून नहीं किया? नहीं। किसने प्रताप बर्मन का खून नहीं किया? मैंने। हाँ। आपको मतलब क्या? तुमने अभी अभी कहा कि तुमने प्रताप बर्मन का खून नहीं किया, इसका मतलब है तुम कोई और हो और प्रताप बर्मन कोई और था। अब ये बताओ कि तुम कौन हो? जज साहब, वकील साहब मुझे बातों में उलझा रहे। मैं हूँ प्रताप बर्मन, प्रताप बर्मन, प्रताप बर्मन। नहीं, तुम प्रताप बर्मन नहीं बल्कि प्रताप के कातिल रंजीत हो। ये झूठ है। ये सच है। 6 अक्टूबर को उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल करके तुमने उसे और पूजा दोनों को मार डालने की कोशिश की। ये सरासर झूठ है। और अब उसके हमशक्ल होने का फायदा उठा रहे हो तुम। नहीं। जब रानीमा को ये बातें पता चली तो तुमने उनका भी खून कर दिया। नहीं। हाँ, और अब सारे इल्जाम पूजा पर लगाकर खुद साफ बच जाना चाहते हो? ये सब बकवास है, झूठ है। जज साहब, मैं इस शहर का एक इज्जतदार आदमी हूँ। मेरा नाम प्रताप बर्मन है और ये रहा मेरा पासपोर्ट जिसमें हिंदुस्तान से बाहर जाने की और आने की सही तारीख लिखी हुई है। इमिग्रेशन की मोहर भी लगी हुई है। अगर मैं मर गया होता तो वापस कैसे आता? मेरे पास तो मेरे जिंदा होने का सबूत है,
पर क्या वकील साहब के पास कोई ऐसा सबूत है जिससे यह साबित हो सके कि प्रताप बर्मन मर चुका है? अगर है तो उसे अदालत में पेश करें, उसके बाद ही मुझे कातिल या बहरूपिया ठहराए। मिस्टर प्रेम कपूर, अदालत यह जानना चाहेगी कि आपके पास प्रताप की मौत का कोई सबूत है भी या नहीं। जी नहीं। एक आदमी की गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, तहकीकात होती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, डेथ सर्टिफिकेट बनता है, इनमें से कोई भी चीज है आपके पास? जी नहीं योर ऑनर। मिस्टर प्रेम कपूर, अदालत में आना हो तो अपना केस ठीक से तैयार करके आया कीजिए, अदरवाइज डोंट वेस्ट माय टाइम। जज साहब, मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, इस केस का फैसला जो भी करना हो जरा जल्दी कर दीजिए। मां तो मेरी मरी है, वकील साहब की नहीं। ये तो कोई ना कोई नाटक करते ही रहेंगे। अगली 20 तारीख को इस केस का फैसला कर दिया जाएगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। वकील साहब, आप सोचते होंगे कि प्रताप के मर जाने के बाद उसके पासपोर्ट में वापस आने की मोहर कैसे लगी। बड़ी आसान सी बात है, जब प्रताप मरा तो मोहनलाल ने उसके पासपोर्ट की जगह मेरा पासपोर्ट रख दिया और मैं प्रताप के पासपोर्ट में हिंदुस्तान वापस आ गया। यानी रंजीत मर गया और प्रताप जिंदा है। और हां, एक बात याद रखना, तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते क्योंकि तुम सच के गुलाम हो और मैं झूठ का बादशाह। क्या सोच रहे हो मिस्टर प्रेम? कितने दुख की बात है इंस्पेक्टर साहब, कभी कभी सच को जानने के बावजूद हम जैसे लोग कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि उस सच का हमारे पास कोई सबूत नहीं होता। सच लाचार खड़ा देखता रहता है और झूठ झूठ नकली सबूत बनाकर जाकर सच की कुर्सी पर बैठ जाता है। और आज तो हर जगह यही हो रहा है, झूठ का बोलबाला है और सच का मुंह काला है। मिसेस पूजा वर्मन, आपके वकील साहब नजर नहीं आ रहे। अगर आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है या कोई सबूत देना है तो आप दे सकती हैं। जज साहब, मैं आपके सामने ये स्वीकार कर चुकी हूँ कि मोहनलाल का खून मैंने किया है। जब मैं एक अपराध मानकर फांसी का फंदा अपने गले में डाल चुकी हूँ तो फिर रानी माँ के खून से इनकार करने से फायदा, झूठ का सहारा लेने की जरूरत? झूठ का सहारा तो वो लेते हैं जो अपराध करके कानून से बचना चाहते हैं, अपना इल्जाम दूसरों पर डालने के लिए नौकरों को पैसे देकर झूठी गवाही दिलवाते हैं, जैसे रंजीत ने किया है। मैंने किसी नौकर को पैसे नहीं दिए, कोई झूठी गवाही नहीं दिलवाई। तो फिर इतना भड़क क्यों रहे हो? मैंने कब कहा था कि तुमने झूठी गवाही दिलवाई है? मैंने तो कहा था कि रंजीत ने झूठी गवाही दिलवाई है। क्या तुम रंजीत हो? जज साहब, मेरे पति के मरने का कोई सबूत नहीं है, लेकिन क्या हर वो बात जिसका सबूत नहीं होता झूठ होती है? अगर मैं ये साबित नहीं कर सकती कि भगवान है तो क्या आपकी अदालत ये फैसला सुना देगी कि भगवान नहीं है? एक्सक्यूज मी योर ऑनर, देर से आने की माफी चाहता हूं।
योर ऑनर, जब मुझे खबर मिली कि रानी मां जिंदा हैं, तो मैंने इन्हें अदालत में लाना बहुत जरूरी समझा। पुलिस वालों को इनकी लाश इसलिए नहीं मिली क्योंकि ये नदी में बह गई थी। कुछ गांव वालों ने इन्हें देख लिया और बचा लिया। बदकिस्मती से इनके बोलने की शक्ति चली गई है, लेकिन ये अपने कानों से अच्छी तरह सुन सकती हैं और हमारे हर सवाल का इशारों में जवाब भी दे सकती हैं। और इसीलिए ऑनर, इस केस पर रोशनी डालने के लिए मैं इनसे चंद सवाल पूछना चाहता हूं। पूछिए। रानी मां, जिस शख्स ने आपको पहाड़ से ढकेलकर खाई में गिरा दिया था, क्या वो इस वक्त इस अदालत में मौजूद है? और से देखिए रानी मां। क्या आप इशारा करके ये बता सकती हैं कि वो शख्स कौन है? वो जो वहां व्हाइट सूट में बैठा हुआ है? लेकिन माँ जी, वो तो आपका बेटा प्रताप है। मिस्टर गुप्ता। यस, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं। ठीक है। योर ऑनर, मैं मिस्टर प्रताप से अकेले में बात करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू सर। योर ऑनर, रानी मां ने अभी अभी अपने बयान में इस शख्स को खूनी ठहराया है। मुझे डर है कहीं ये भागने की कोशिश न करे, इसलिए अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि इन्हें इंस्पेक्टर मुखर्जी की निगरानी में भेजा जाए। रिक्वेस्ट ग्रांटेड। इंस्पेक्टर मुखर्जी, आप इन लोगों के साथ जाइए। आइए, आप लोग यहां बैठकर बात कीजिए, मैं बाहर वेट करता हूं। थैंक यू वेरी मच। बैठो। बात क्या है? योर ऑनर, मैं सौरभ से कुछ सवाल। नहीं सर, अब आप कोई सवाल नहीं करें। जज साहब, मेरी मां बच गई है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी मां जिंदा है। मां, 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 तू आ गई। बोल, कौन है तू? बोल, कौन है तू? आप ही देखिए जज साहब, नकली को असली और झूठ को सच, मैं नहीं वकील साहब बना रहे। ये क्या तमाशा है मिस्टर प्रेम? ये अदालत है, कोई नाटक कंपनी का स्टेज नहीं। योर ऑनर, इस अदालत में सैकड़ों बार झूठ का सहारा लेकर सच को छुपाया गया है। हां, आज मैंने भी झूठ का सहारा लिया है, लेकिन सच को छुपाने के लिए नहीं, बल्कि सच को सामने लाने के लिए। और ये रहा सच। योर ऑनर, मुझे पूरा यकीन था कि रानी मां को जिंदा देखने के बाद रंजीत अपने वकील साहब के साथ अकेले में कुछ बात करना चाहेगा, और इसीलिए इंस्पेक्टर मुखर्जी उन्हें एक ऐसे कमरे में लेकर गए थे जहां हमने पहले से एक वीडियो कैमरा छुपा कर रखा था। वहां इन दोनों के बीच में क्या बातें हुई, ये आप खुद देख लीजिए। बात क्या है? ये रानी मां नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? ये रानी मां नहीं। क्योंकि मैंने उसका गला दबाकर उसे मार डाला था और उसके बाद मैंने उसे खाई में फेंक दिया था। तो फिर पूजा ने? पूजा ने कुछ नहीं किया। पूजा को पता था कि मैं उसका पति नहीं, रंजीत हूं। उसने हमें रानी मां को फेंकते हुए देख लिया और गोली चलाने लगी। तब मैंने मोहनलाल को आगे कर दिया और वो मर गया। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। चलो मेरे साथ। नहीं, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा
तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे मरते ही ये सारे लोग तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। खबरदार। पूजा तुम, तुम्हारा खेल खत्म हुआ रंजीत, चलो। मंगल तो शुभ है ही। दादाजी देखिए कौन आया है। अरे पूजा बेटी आओ आओ आओ। शास्त्री जी आप भी यही हैं? अब बताइए आपकी ज्योतिष विद्या क्या कहती है। अभी साहब शुभ मुहूर्त है और एक हफ्ते के अंदर तुम दोनों का विवाह योग है। नहीं शास्त्री जी, आज मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। क्यों दादाजी? क्योंकि मैं एक हफ्ता और इंतजार नहीं कर सकता, आज ही तुम दोनों की शादी होगी। यू आर ग्रेट दादाजी। तुम दोनों सुखी हो। कहे ना कहे इस जुबान से बात होंठों पे रुकती नहीं, फर्क पड़ता है क्या हाँ से ना से, ये नजर यूं ही झुकती नहीं। साफ जाहिर है दोनों तरफ से, ये मोहब्बत तो छुपती नहीं। साफ जाहिर है दोनों तरफ से, ये मोहब्बत तो छुपती नहीं।